السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الحمد لله تدبر القرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 87 है जिसमें आपके सामने आयात नंबर 27 से 33 सूरह निसा को मैंने तिलावत किया। पीछे गुजरी हुई आयात में आपके सामने मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन खवातीन का तस्करा कर रहा है, औरतों के बारे में बयान, विरासत का बयान, इन तमाम चीजों को आखिर में अल्लाह ताला ने मुहर्रमात का जिक्र हमारे सामने किया। जो पीछे दर्ज गुजरा उसके अखीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी प्यारी बात बताई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीजों के जरिए चाहता है कि तुम्हारे सामने हर चीज को खोलकर बयान कर दे, और पुराने लोगों के वाकयात तुम्हारे सामने इसलिए रखे जाते हैं कि तुम तौबा करो, अपने आप को, अपने हालात को अपने सामने रखो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। इस गर्ज से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीजों को तुम्हारे सामने बयान करता है। अब आज के दर्स का सबसे पहले तर्जुमा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश्शहवात अन तमीलू मैलन अज़ीमा। अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल कर ले, यानी तुम अपने गुनाहों को याद कर लो, इकरार कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। लेकिन वो लोग जो अपनी शहवात के पीछे भागते हैं, ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, वो चाहते हैं कि तुमको अल्लाह ताला से फेर दें, अल्लाह ताला से तुम्हारा रुख मोड़ दें, यानी तुम्हें तौबा तक ना जाने दे, तुम्हें इस्तगफार तक ना जाने दे, नेक ना बनने दे, बल्कि तुम्हें बुराई की तरफ लेकर जाए। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है युरीदुल्लाहु अन युखफ्फ अनकुम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर आसानियां कर दे, तख़फीफ कर दे। अल्लाह ज़ुल नहीं चाहता, अल्लाह सख्ती शिद्दत नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है वखुलिकल इंसानु ज़ईफा, क्योंकि इंसान तो कमजोर पैदा किया गया है, इंसान पैदाइश के एतबार से कमजोर है, इससे अल्लाह ताला उस पर कोई बोझ और शिद्दत नहीं डालता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब यहां पर अल्लाह ताला माल के बारे में बयान करता है, कारोबार और तिजारत के बारे में बयान करते हुए इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अपने माल को बातिल और हराम तरीके से ना खाओ, सिवाय उसके कि तुम आमने सामने रजामंदी से कोई तिजारत करो, यानी तिजारत करो, बिजनेस करो, पर धोखा मत दो, किसी को धोखा देना तुम्हारा अमल नहीं है। वला तक्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है, यानी किसी को कत्ल दूसरे को भी मत करो और अपने आप को करके यानी खुदकुशी भी मत करो। वमन यफअल ज़ालिका उदवानन व ज़ुल्मा, लेकिन कोई अगर ये सारे अमल यानी तिजारत में धोखा देना, कत्ल करना, ये सारे अमल करता है
सरकशी करते हुए, जुल्म करते हुए, तो हम उसे जल्द ही जहन्नम में डालेंगे, आग में डालेंगे। और ये अल्लाह ताला पर बड़ा आसान है, यानी अल्लाह के बताने के बाद, समझाने के बाद बंदा तौबा ना करे, अल्लाह ताला को याद ना करे, तिजारत हराम तरीके से करे, अपने आप को कत्ल करे, किसी और का कत्ल करे, तो उसको अल्लाह ताला कहता है जहन्नम में डाला जाएगा बहुत जल्दी, और ये अल्लाह पर आसान है। इन तजतनीबो कबायरा मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह ताला भी यहां पर गुनाहों का तज़किरा कर रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाओ, बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाओ जिससे हमने तुम्हें रोका है, तो हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे, यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। वला तमन्नो, अब अल्लाह ताला यहां पर फिर एक नया मसला बता रहा है हसद का, कि एक दूसरे को देखकर, किसी के शक्ल सूरत को देखकर, किसी के जिस्म को देखकर, किसी के पैसे स्टेटस को देखकर हमारे दिल में जो तमन्ना आ जाती है नारे में, उस जैसा क्यों नहीं, अल्लाह ताला उसके बारे में कह रहा है वला तमन्नो मा फद्दलल्लाहु बिहि बादकुम अला बाद, तुम तमन्ना मत करो कि अल्लाह ताला ने बास को बास पर जो फजीलतें दे रखी है, किसी को कुछ किसी को कुछ, अल्लाह ताला ने हर एक को अपनी अपनी सलाहियतें अता कर रखी है। मर्दों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया, औरतों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया, दोनों का अपना अपना मामला है, दोनों को अल्लाह ताला ने अलग अलग ताकत और कुव्वत दी है। वसअलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का इल्म रखने वाला है, तुम्हारे हालात, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी तकालीफ परेशानी, हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है, तो उस पर यकीन रखो। وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا, अब यहां पर अल्लाह ताला विरासत का एक मसला बयान कर रहा है कि وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, हमने हर एक को जिम्मेदार बनाया है, वारिस बनाया है उस माल पर जिसको माँ बाप या करीबी रिश्तेदार छोड़कर जाते हैं। وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ, और वो लोग जिनसे तुमने मुआहिदा किया है उनको उनका हिस्सा दे दो, किसी से अगर कोई मुआहिदा किया है, एग्रीमेंट किया है, तो उनका हक उन्हें दे दो। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है, जब भी तुम कोई मुआहिदा करते हो, कोई वादा करते हो, कोई और जाने ना जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बात का जानने वाला है, वो गवाह है, वो मौजूद है, वो जानता है, कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ आयतों का तर्जुमा। अब आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज, यत्तबिउन, दोज हु फॉलो, वो जो पैरवी करते हैं, पीछे चलते हैं, तमीलू, टू डाइवर्ट, फेर देना, किसी तरफ से मोड़ देना, फेर देना, ये अल्लाह की तरफ से फेर देते हैं, ज़ईफा, वीक, कमजोर, आतराज़िन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस की रजामंदी, आपस की रजामंदी से तुम कोई तिजारत करो, इन तजतनीबू यू अवॉइड, तुम किसी चीज से एराज करो, छोड़ दो, बड़े गुनाहों को छोड़ दो, तमन्नाउ, डू नॉट विश, तुम तमन्ना मत करो, आरजू मत करो, मवालिया, सक्सेसर्स, वारिस, वरसा, अकदत, बाउंड, तुमने कोई बाउंड किया, मुआहिदा किया, कोई एग्रीमेंट किया, उसे पूरा करो, वादों से पीछे ना हटो। ये हुए मुश्किल अल्फाज, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम कुरान में आगे बढ़ते जाएंगे, आयात में अल्फाज हमारे सामने रिपीट होते चले जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा अल्फाज को हमें बार बार पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अगर पुराने अल्फाज हमने याद रखे तो। अब आज के आयात में एक शाने नुजूल है, वो आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, वला तमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिहि बादकुम अला बाद, कि तुम बास पर बास को जो अल्लाह ने फजीलत दी है ना, उसकी तमन्ना और आरजू मत करो, ठीक है, उसका अपना हक, तुम्हारा अपना हक। इसका शाने नुज़ूल क्या है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, और देखिए उस दौर की खवातीन कैसी थी, उनमें क्या जज्बा जिहाद था, अल्लाह के रास्ते में किताल का क्या जज्बा था, उनके नजदीक जिंदगी की मोहब्बत कम और आखिरत की मोहब्बत ज्यादा थी, जन्नत की मोहब्बत ज्यादा थी, कि खातून आकर अल्लाह के नबी को शिकायत कर रही है गोया के, और कह रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को इतना सारा हक दे दिया, उन्हें किताल करने का हक दे दिया, वो शहीद होकर दर्जा बुलंद कर लेते हैं, हमारा दर्जा तो नीचे रह जाएगा, हमें इजाजत क्यों नहीं। अल्लाह ने आयत नाजिल की कि अल्लाह ताला ने दोनों को अपना अपना मकाम दिया है, अगर वो रास्ते में अल्लाह की किताल करता है तो तुझे भी तो अल्लाह ने मकाम दिया है, तुझे भी तो अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया है, तुझे जिस जगह रखा ऊंचा मर्तबा दिया, तेरे घर की जिम्मेदारियां तेरा मर्तबा, जन्नत का जरिया, रब की रजा, कितनी सारी फजीलत अल्लाह ने तुम्हें वहीं पर अता की है, तो इसलिए जिसको जो मकाम अल्लाह ने दिया उसकी तमन्ना और आरजू तुम ना करो। अब हमारा बुनियादी मकसद तदब्बुर, आज की आयतों पर
हमने क्या गौर किया, तदब्बुर के एतबार से क्या बातें हमें समझ में आई। और देखिए ये कोई इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि अगर आप खुद कुरान लेकर बैठेंगे ना, ये हम क्लास क्यों चला रहे हैं, आप खुद ऐसा कीजिए, कुरान लीजिए, आयत का तर्जुमा 2-4-5 बार पढ़िए, आपको खुद कुछ ना कुछ समझ में आएगा, नई नई बात निकलने लग जाएगी। और अल्लाह बेहतर जानता है, जब भी हम कुरान की तिलावत करें ना, हमने कुछ ना कुछ नया हमें हमारे सामने निकलना शुरू हो जाता है, तदब्बुर में चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम उस पर गौर करना चाहें तो। अल्लाह ताला सबसे पहली चीज, अल्लाह जिस रास्ते की तरफ बुलाता है इसमें आपका फायदा है, सवाब है, जन्नत है। जो अमल अल्लाह ने बता दिया, जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी, जो हलाल अल्लाह ने बता दिया, जिस हराम से रोक दिया, उससे बेहतर रास्ता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कायनात का बनाने वाला, इंसान का बनाने वाला, इस मजहब का बनाने वाला, तो उससे ज्यादा जिसने इंसान को बनाया है उससे ज्यादा बेहतर इंसान को कौन जानेगा। तो अब वो जो चीज आपके लिए बता देना कि ये करो मतलब करो, ये नहीं मतलब नहीं, जो उसने कहा है उसको करने में आपका फायदा भी है, सवाब भी है, जन्नत भी है, अल्लाह की रजा आपको मिलेगी, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा, अगर आप वो अमल करें जिसे अल्लाह ताला जायज करार देता है, जिसका अल्लाह ताला हुक्म देता है। ये बड़ी अहम बात हमें पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे यही अमल करवाना चाहता है। नेक्स्ट, अल्लाह बंदों को अजाब देना नहीं चाहता इसलिए बार बार तौबा की दावत देता है। देखिए अल्लाह ताला कितनी बार, पीछे आयतें जितनी गुजरी कितनी बार हमने जिक्र सुन लिया, अल्लाह कहता है अल्लाह तुमसे तौबा कबूल करता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर है, तौबा करो, माफी मांगो, इन्हें अल्लाह ताला अजाब देना चाहता ही नहीं है, अल्लाह ताला हमें माफ करना चाहता है। बंदा जब भी जिस भी वक्त सच्चा दिल लेकर अल्लाह के सामने हाजिर हो जाए, अल्लाह ताला बंदे को रद्द नहीं करता, उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उसकी तौबा को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला कह रहा है वल्लाहु युरीदु यतूबा अलैकुम, अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले, रब्बुल आलमीन तुम्हारी तौबा कबूल करना चाहता है। बंदा मांगे तो सही, बंदा पुकारे तो सही, बंदा रब के आगे झुके तो सही, अगर बंदा सही मायनों में झुक जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नेक्स्ट, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बड़ी प्यारी बात यह भी बता रहा है कि आपको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह के रास्ते से हटाकर शहवात के रास्ते पर आपको लेकर जाएंगे। जैसे हमारे यहां कॉमन होता है ना दोस्ती, मेरा दोस्त है सिगरेट पीता है तो अकेला नहीं पीता, मुझे भी पिलाता है, गुटखा खाता है मुझे भी खिलाता है, झूठ बोलता है मैं भी वैसा हो जाता हूं, गालियां देता है मैं भी वैसा हो जाता हूं, यानी वो जिस चीज का इर्तिकाब करता है मैं वही करता हूं। अल्लाह यहां पर कह रहा है कि तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे शहवाद के पीछे भागने वाले जो तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब इंसान को अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्त तलाश करना चाहिए, अच्छे साथी तलाश करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इंसान एक अच्छे दोस्त रखने वाला और एक बुरे दोस्त रखने वाले की मिसाल कैसे है। बुरे दोस्त रखने वाले की मिसाल कोयला बेचने वाले से, आप उसके पास अगर जाकर बैठ जाए चाहे कोयला ना बेचे कपड़े जरूर काले हो जाएंगे, और अच्छा दोस्त इत्र का बेचने वाला, आप उससे इत्र ना खरीदें, अगर आप उसके पास जाकर भी बैठ जाएंगे तो आपके कपड़े में परफ्यूम की इत्र की खुशबू आने लग जाएगी। वैसे ही दोस्त होते हैं, और इंसान दोस्तों से तो पहचाना जाता है ना, एक बद इंसान है बड़ा मशहूर बद इंसान है आप उसके साथ बैठ जाइए आपकी पहचान उसके साथ हो जाए, एक अच्छा इंसान है आप उसके साथ बैठ जाइए आपकी पहचान रहे उनके साथ उठते बैठते हैं अरे उनके साथ इनके ताल्लुक आते। तो इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, इसीलिए हमें अच्छे दोस्त तलाश करना चाहिए, वरना ये दोस्त आपको हराम की तरफ ले जाएंगे, शहवाद की तरफ ले जाएंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। इसका बहुत ज्यादा लिहाज एक बंदा मोमिन को रखना चाहिए। नेक्स्ट, दीन इस्लाम आसानी का नाम है, इसमें हर वो अमल है जो बंदे के लिए आसान है। अल्लाह ताला कहता है कि युरीदुल्लाह अन युखफ्फा अन्कुम, अल्लाह ताला तो तुम पर सारी चीजों को हल्का करना चाहता है, तख़फीफ करना चाहता है। अल्लाह ताला जानता है इंसान ज़ईफ है कमजोर है, यानी इस्लाम में जो है सब आसानी आसानी ही आसानी। कितनी आसानी शरीयत ने रखी, घर में हो पूरी नमाज पढ़ो, सफर में हो कसर कर लो, पानी है वजू बना लो, नहीं है तयम्मुम कर लो, हर जगह आसानी, ताकत है खड़े होकर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, लेट कर पढ़ो, आंख के इशारे से नमाज पढ़ो, कितनी आसानी। सफर में और रोजा छोड़ दो, बीमारी में और रोजा छोड़ दो, बाद में कजा कर लो, हर जगह शरीयत ने आसानियां रखी, क्योंकि अल्लाह ताला हम पर शिद्दत नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला बंदे की मसलहत को समझता है, अल्लाह ताला बंदे की परेशानियों को देखता है। और इसके लिए मैं कहता हूं सिर्फ इतना याद रखें कि जो बनाने वाला है ना उससे ज्यादा आपको कोई नहीं जानेगा, जो बनाने वाला होता है ना उससे ज्यादा आपको कोई जान ही नहीं सकता, वो जानता है कि इसको क्या। जैसे एक माँ कैसे हम देखते हैं, अल्लाह की मिसाल किसी से नहीं हो सकती, पर आप माँ को देखिए ना, माँ कैसे बोलती है अरे ये सब्जी नहीं खाएगा वो, अरे ऐसी रोटी नहीं खाएगा वो,
ये इस मौसम में नहीं जाएगा वो, क्यों? उसे पता है, उसने तरबियत की है ना, तो उसे पता है कि वो क्या पसंद करेगा क्या नहीं पसंद करेगा। अब सारी दुनिया की माओं के दिलों में शफ़क़त और मोहब्बत डालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो नहीं जानता बंदे को क्या पसंद क्या ना पसंद, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला हम पर तख़फ़ीफ़ चाहता है, अल्लाह ताला हम पर आसानी चाहता है, इस बात को भी बंदे को अपने दिल में बड़ी ताजा रखना चाहिए। नेक्स्ट, किसी का माल धोखे से लेना हराम है, चाहे मिलावट का कारोबार करो, धोखे का कारोबार करो, चोरी करो, डकैती करो, सब हराम। हराम मतलब हराम, आज हमारे यहां तो कॉमन, झूठ बोलकर धंधा करना, मिलावट का बिजनेस करना, नाप तोल में कमी करना, चीज बेचना तो उसका ऐब ना बताना, उसकी कमी ना बताना, दुकान पर कब्जा कर लेना, मकान पर कब्जा कर लेना, इंटरेस्ट का कारोबार करना, जितना हराम हो सकता है बंदा उसे इख्तियार करता है, हर हराम रास्ते को इख्तियार करता है, हर हराम को अपनी जिंदगी बनाता है, और उसके बाद वो डरता भी नहीं, उसके दिल में खौफ नहीं। तो याद रखें कि माल अगर आपने हराम तरीके से कमाया है तो आपके लिए जहन्नम का सबब बन जाएगा, अजाब का सबब बन जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, तिजारत करना और दुनिया में अपने आप को ऊंचा बनाना, कमाना अल्लाह को पसंद है। ऐसा नहीं दूसरे मजाहिब की तरह दुनिया छोड़ दो, दुनिया को त्याग दो, कुछ भी मेहनत मत करो, अच्छा पैसा मत बनाओ, दुनिया छोड़ दोगे कामयाब हो जाओगे। इस्लाम कहता है कमाओ, मेहनत करो, हलाल कारोबार के लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अरे जब माल होगा तभी तो सबका खैरात करोगे, तभी तो मस्जिदें बनाओगे, तभी तो मदरसे बनाओगे, तभी तो दीन का काम करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। तो शरीयत ने हमें कई जगह कहा अल्लाह का फजल मांगो, कारोबार तिजारत इन चीजों का अल्लाह ताला तज़किरा इसीलिए करता है कि दुनिया को तलब करो, पर दुनिया वो जो आपको आखिरत से दूर ना कर दे, दुनिया वो जो आपको अल्लाह से दूर ना कर दे, दुनिया वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और उसकी इबादतों से आपको दूर ना कर दे, उस दुनिया के लिए अगर आप मेहनत करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनतों को इंशाअल्लाह कबूल करेगा। नेक्स्ट, किसी को धोखा देना, हराम तरीके से माल कमाना, जुल्म है, सरकशी है, जहन्नम का रास्ता है। किसी को धोखा दे के माल अगर आप कमा रहे हो, कई लोग हमारे अपने आप को फख्र मानते हैं इसका कि झूठ बोलकर कारोबार कर लेता है, उसको मैंने ये गाड़ी चिपका दी, उसको मैंने मकान चिपका दिया, वो दुकान चिपका दी, वो प्राउड फील करते हैं। याद रखें कि ये जो आप अमल कर रहे हैं ना, ये जुल्म है, सरकशी है, जहन्नम का रास्ता है, रब्बुल आलमीन की नाराजगी का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल को पसंद नहीं फरमाता है, अल्लाह ताला ऐसी तिजारत को पसंद नहीं फरमाता है। अपने आप को ऐसे हराम से हमेशा बंदे मोमिन को महफूज रखना चाहिए। नेक्स्ट, बुरा इंसान सबको बुरा बनाता है, अच्छा इंसान सबको अच्छा बनाता है। जो ऊपर मैंने बात कही ना, अल्लाह ताला कहता है कि शहवाद के पीछे भागने वाले आपको शहवाद के पीछे लेकर जाएंगे, अच्छाई के पीछे भागने वाले आपको अच्छा बनाएंगे। तो बुरा बुराई की तरफ ले जाएगा, अच्छा अच्छे की तरफ। तो आप फैसला करो आपको किसके साथ रहना है, अच्छे के साथ रहना है या बुरे के साथ अपनी जिंदगी को बुरा बनाना है। नेक्स्ट, कबीरा गुनाह क्या है, जिसका अल्लाह ने तज़किरा किया ना, कबीरा गुनाह से अपने आप को बचाओ। तो क्या है कबीरा गुनाह? कबीरा गुनाह का मतलब है हर वो अमल जिस पर शरीयत ने सजा रखी हो या लानत और जहन्नम का जिक्र किया हो। आम जबान में मैं समझा रहा हूं, या तो शरीयत ने हद रखी हो, ये अमल किया तो इतने कोड़े, ये अमल किया तो गर्दन काट दी जाएगी, या लानत वाला अमल बताया हो, जहन्नम वाला अमल बताया हो, इन्हें कबीरा गुनाह कहा जाता है। और ऐसे कबीरा गुनाह से बंदा मोमिन को अपने आप को बचाना चाहिए। नेक्स्ट, कबीरा गुनाह से अगर बंदा बच जाए तो रब उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह अकबर, कितना हमारा रब माफ कर रहा है। आप कबीरा गुनाह से अपने आप को बचाओ, अल्लाह आपके सारे दूसरे गुनाह माफ कर देगा, खताएं माफ कर देगा, लग्जिशें माफ कर देगा, और जन्नत भी देगा, जन्नत का आला मकाम भी अता करेगा, जन्नत में ऊंचा मकाम भी अता करेगा। ये रब्बुल आलमीन का रहम नहीं तो और क्या है। नेक्स्ट, हसद से बचो, अल्लाह ने जिसको जो दिया है वो उसके लिए बेहतर। तकदीर पर ईमान है ना, ये हमारा तकदीर पर ईमान है। मेरे पास इतना है तो मेरे पास कुछ कम है क्या? मैं क्यों सामने वाले को देखूं? मेरे पास जो है ना, मेरी ताकत हिम्मत मेहनत से ज्यादा है तो बस काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने जो मुझे दिया ना वो बहुत है मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितना, इसके पास कितना, वो क्या करता। और कई लोग माशाल्लाह अब अपनी जिंदगी में तजुर्बे में अपने आसपास देखोगे जिन्हें किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना किसी की गाड़ी वो देखते, ना किसी का मकान वो देखते, ना किसी और को देखते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास जो है बहुत प्यारा, मेरी गाड़ी सबसे प्यारी, मेरा घर सबसे प्यारा, जो मेरे पास है वो सबसे अच्छा है। ये बंदा मोमिन होता है, अल्लाह की जात पर ईमान रखने वाला होता है कि उसे अपने पास मौजूद नेमत अच्छी लगती है, इसीलिए इस बात से, इस हसद से, इस और ये हसद पता है कहां कहां ले जाता है। फिर आदमी गिबतें भी करता है, चुगलखोरियां भी करता है, साजिशें भी करता है, मिटाने की कोशिशें भी करता है, जो बनता है वो करता है। इसलिए हमेशा अपने आप को इस हसद से बचाओ। मर्द और औरत का
अपना अपना मैदान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को अपने अपने काम दिए, दोनों कोई नीचे ऊपर नहीं है। और मैं कहता हूं कि कई मर्तबा अगर आप गौर करो तो आपको लगेगा कि औरत का मकाम ज्यादा ऊंचा नजर आता है। बेटी है परवरिश की, जन्नत में ले जाएगी। बहन है सुकून का सबब, बीवी है अल्लाह की रजा, न जाने कितनी फजीलतें। माँ है तो जन्नत ही डाल दी उसके कदमों के नीचे, बाप को दिए दर्जे। लेकिन उसके बाद भी आज यूरोप चिल्ला रहा है, सारे लोग बोलते हैं कि इस्लाम में औरतों को अधिकार नहीं दिए गए, हुकूक नहीं दिए गए। आप गौर करो, लेकिन उसके बाद भी मर्द का अपना मकाम, कमाना लाना मेहनत करना, घर का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, औरत का काम घर संभालना, बच्चे संभालना, तालीम का इंतजाम, बच्चों की हिफाजत, उसका अपना मैदान, इसका अपना मैदान। दोनों में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी है, दोनों को अल्लाह ताला ने अपना अपना मकाम दिया है। नेक्स्ट, अल्लाह ताला से हमेशा उसका फजल मांगना चाहिए। फजल से मुराद दुनिया भी आखिरत भी। अल्लाह अपना फजल दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह दुनिया दे, आखिरत दे, जितना मांगना है मांगो, क्योंकि उसके पास तो बेहिसाब है ना। वहां कोई लिमिट थोड़ी है कि अल्लाह ताला से इतना ही मांगना, उससे ज्यादा अपन मांग नहीं सकते, उससे ज्यादा मांगेंगे तो गलत हो जाएगा। वहां कोई लिमिट नहीं, जितना मांगना है मांगो ना, जितना उसको पुकारना है पुकारो ना। वो रद्द थोड़ी करता है बंदों को, वो रिटर्न थोड़ी करता है कि मैं आपकी ये वाली सुनूंगा, ये वाली सुनूंगा। इससे पता चलता है कि बंदा मोमिन को हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल मांगना चाहिए। नेक्स्ट, वादा करो तो हमेशा वादे पूरे करो। अल्लाह ताला वादा पूरे करने वालों को पसंद फरमाता है। कोई भी मुआहदा, कोई भी वादा, कोई भी प्रॉमिस अगर आपने अपनी जिंदगी में किया है उसे पूरा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा पूरे करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, उन्हें पसंद फरमाता है, उनको अपनी रजा अल्लाह ताला अता करता है। एक और अहम चीज जो आज की आयतों में हमारे सामने आई, वला तक्तुलु अनफुसकुम। इस्लाम क्या बेगुनाहों को मारने की इजाजत देगा? इस्लाम ने तो इंसान को खुद अपनी जान का भी इख्तियार नहीं दिया है। और ये आयत आगे भी आपके सामने आएगी, अल्लाह कह रहा वला तक्तुलु अनफुसकुम, अपने आप को भी मत मारो। खुदकुशी करना ही इस्लाम में हराम है। दूसरे की जान तो बहुत दूर की बात है, खुद आप अपनी नहीं ले सकते, अपने आप को नहीं मार सकते। आज हम देखते ना कितने सुसाइड केस हमारे सामने आते हैं, 10th का बच्चा सुसाइड कर ली, 12th का बच्चा सुसाइड कर ली, पसंद की शादी नहीं हुई, लोग अपने आप को मार लेते हैं। इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है, कबीरा गुना है, हमेशा का जहन्नम बताया गया है। यहां तक कि ये तो बड़ी चीज है, ऐसी चीजें इस्तेमाल करना जिसके खाने पीने से आप मर सकते हैं, अरे इस्लाम ने तो उसे भी हराम करार दिया, हर नशे को हराम करार दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ना दूसरे की जान आप ले सकते हैं, ना अपने आप की जान ले सकते। इससे पता चलता है इस्लाम कितना रहम वाला मजहब है, इस्लाम कितना यानी दरिया दिली वाला मजहब है। इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी जगह रखी है कि आप लोगों को संभालें, लोगों का साथ दें, उनकी परेशानियों में खड़े रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही बंदों को पसंद फरमाता है। नेक्स्ट, अमल। आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं? नंबर वन, शहवात के पीछे भागने से बचो। मेरा दिल क्या कहता है इस्लाम में वो नहीं चलता, मेरा रब क्या कहता वो चलता, मेरा रब क्या चाहता है इस्लाम में वो चलता है। नेक्स्ट, जब अल्लाह से दुआ मांगो तो अपनी कमजोरी का जिक्र करो। अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूं, अल्लाह मैं बहुत जईफ हूं, अल्लाह ऐसा है वैसा है, तू तो मेरी मदद कर सकता है ना, तू तो मेरे हालात जानता है ना, अल्लाह मदद कर। अपनी कमजोरी का इकरार करो, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है मैंने तुझे कमजोर बनाया है। नेक्स्ट, ऐसी महफिल जो आपको गुनाह तक लेकर जाए उससे दूरी इख्तियार करो। ऐसे लोग, ऐसी महफिल शरी की मत हो जो आपको गुनाह तक ले जा सकते हो। आखिरी चीज, इस्लामी तालीमात लोगों में आम करो, जितना ज्यादा मुमकिन हो इस्लामी तालीमात, इस्लाम की अच्छाइयां, इस्लाम का हलाल, इस्लाम की बरकतें लोगों में फैलाओ। जितना ज्यादा आप फैलाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी में उतनी ज्यादा बरकतें अता करेगा। ये कुछ बातें जो आज के दर्स में हमारे सामने आई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौलाए रब्बुल आलमीन, खालिक मालिक रहमान रहीम, गफूर गफ्फार समीअ बसीर अलीम खबीर, ए रब्बुल आलमीन तो हम तमाम की जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी कुरान से मोहब्बत को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी परेशानियों और तकलीफों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जब तक जिंदगी दे ईमान की जिंदगी दे। ए अल्लाह हर हराम से हमें बचा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।